इन्होंने अभी वो बीच में फिश बर्गर्स निकाले थे, सेक्सी थे वो। बेस्ट चिकन बर्गर सब मैकडी वैकडी सब पे खा रहा है, बेस्ट चिकन बर्गर है यहाँ। मुझे जब भी पर्सनली जब भी चीज़ी फ्राइज खाने का मन होता है, आई पर्सनली कम हेयर एंड हैव चीज़ी फ्राइज। चिकन चिली मोमोज यू मस्ट ट्राई। मेरे को तो सबसे अच्छा इनका क्रिस्पी चिकन बर्गर लगता है। क्रिस्पी है, थोड़ा चीज़ी है एज कम्पेयर टू KFC जिंगर बर्गर। बर्ड फ्लू आ गया, हम फिर भी खा रहे हैं, हमने डर नहीं है फ्लू। चिकन बर्गर हम फिर भी खा रहे हैं, देख लो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरोग्य। आज आपकी सिमरन फिर से हाजिर हुई है एक न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू फूड ब्लॉग के साथ। आपने अब पूरी दिल्ली में या बहुत सी सारी जगहों पर वैन का तो ट्राई किया ही होगा, पर आज हम आपको एक लेकर आए हैं एक ऐसी वैन में। ओ सॉरी, मैं वैन नहीं कहूँगी, इसे ट्रक कहूँगी। आप देख सकते हैं इन्होंने एक डिफरेंट थीम ट्रक के अंदर एक कैफ़े खोल रखा है, और नाम देखेंगे आप ट्रक कैफ़े रख रखा है इन्होंने। ट्रक कैफ़े होना चाहिए बट सी का इन्होंने के बना दिया, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर चाइनीज़ और ले बहुत सारी शेक्स भी हैं, मोमोज भी हैं, बर्गर्स भी हैं। तो आज ट्राई करते हैं यहाँ का कैसा है, मैं आपको बताती हूँ फिर खाकर। तो चलिए और यहाँ के हम ओनर से भी बात करते हैं। चलिए गाइस, लेते हैं कुछ लोगों से रिव्यू कि कैसा है यहाँ का ट्रक कैफ़े का खाना। हेलो, कैसे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ मैं काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ, 6 months हो गए आई गेस मुझे आए हुए यहाँ। कैसा लगा आपको यहाँ का खाना? द फूड वॉज वेरी टेम्पटिंग, वेरी गुड। एज अ स्ट्रीट फूड इट इज़ बेस्ट। आई फील दैट मोमोज एंड पेरी पेरी फ्राइज आर ऑल, आई मस्ट से दैट पीपल शुड ट्राई दिस, आई लाइक इट। एंड मोर ओवर chicken momos is also good and burger you should try, burger is my favorite. sab mein se best one kaun sa hai aapka? I'll prefer chili momos, chicken chili momos, you must try chili chicken momos. aap bataiye, aap kab se aa rahe hain yahan par aur sabse acha kya lagta? mere ko 2-3 months ho gaye hain aaye hue, aur matlab iske chicken momos better hain ye paneer wagaira se. aur agar aap rating dena chahenge 10 mein se to kitni denge truck cafe? 9. आप बताइए 10 में से अगर रेटिंग देना चाहेंगे तो कितना देंगे? 8.5 या 2.5? कम क्यों? 2.5 लाइक थोड़े से जैसे पेरी पेरी फ्राइज हैं उसमें थोड़ी आई फील लाइक जैसे मैं और भी जगह जाता हूँ थोड़ा सा उसमें कमी है हल्की सी, बट इट्स गुड, आई प्रेफर इट्स गुड। आई एम ऑल्सो थिंकिंग दैट कि 1.5 पता नहीं कहाँ गए। एक्चुअली मेरी मैथ्स भी वीक है। एनीवे, थैंक यू सो मच। आपका नाम? कवलीन कौर। आज आप ट्रक कैफे में आए, आपको यहाँ पे कौन से डिश आज आपने ट्राई की? यहाँ पे मैंने यहाँ आज चीज़ी फ्राइज खाए, एक पनीर ग्रिल बर्गर खाया और पैन फ्राइड मोमोज खाए। और आप? टेस्ट करके बहुत अच्छा है, इतने मैं 4-5 बार आप आ चुके हैं, तो जब भी आने तो इतने ही आने तो अपना इंजॉय करके बेचक 10-15 मिनट जो भी खा के फिर आप। क्या क्या ट्राई किया आज तक आपने इस ट्रक कैफे? यहाँ का सब कुछ वेज ट्राई करा है, बिकॉज आई एम वेजिटेरियन, तो मैंने सब वेज ट्राई करा है। एंड द बेस्ट पार्ट, बहुत पॉकेट फ्रेंडली है। आप 4 से 5 आइटम्स लो, बिल सिर्फ मेरे को लगता है 500 रुपये ही आता होगा, एंड इट्स अ वेरी रीजनेबल रेट। मुझे जब भी पर्सनली जब भी चीज़ी फ्राइज खाने का मन होता है, आई पर्सनली कम हेयर एंड हैव चीज़ी फ्राइज। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं लास्ट 2 ईयर्स आ रही हूँ, जब से ये ओपन हुआ है, लास्ट जनवरी 2019 सॉरी। स्पेशल फूड आपका यहाँ का कौन सा है? चीज़ी फ्राइज अगेन एंड 1 फ्राइड मोमोज, पनीर फ्राइड मोमोज, वो सबसे बेस्ट है यहाँ के। तो फ्रेंड्स आए हो यहाँ पे, आपने क्या क्या ट्राई किया आज? हमने चिकन बर्गर खाया है, हमने चीज़ी फ्राइज खाए हैं, चिकन चाउमिन खाई है, शेक पी लें, पर अब पहले भी आ चुके हैं, बहुत खाए यहाँ से, बेस्ट ही आगा, बहुत बहुत अच्छे है, मतलब मज़ा आ जाएगा यहाँ पे आके, मतलब वर्थ है यहाँ पे खाने का। बेस्ट चिकन बर्गर सब मैकडी वैकडी सब पे खा रहा है, बेस्ट चिकन बर्गर है यहाँ। आपने क्या क्या ट्राई किया है? मैंने ऑलमोस्ट वैसे सब ट्राई करा हुआ है, मतलब चिकन और ले भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सबसे बेस्ट चीज़ आपको यहाँ की क्या लगती है? चिकन बर्गर। अगर जैसे आज मुझे कुछ ट्राई करना है तो मैं क्या करके जाऊँ यहाँ से? चिकन ग्रिल बर्गर। वेजिटेरियंस के लिए बर्ड फ्लू आ गया, हम फिर भी खा रहे हैं, हमने डर नहीं है फ्लू का, चिकन बर्गर हम फिर भी खा रहे हैं, देख लो। और अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं क्या खाऊँ? चीज़ी फ्राइज। अगर आप आज ट्रक कैफे को रेटिंग देना चाहें तो 10 में से कितनी देंगे? 11 दे दूंगा मैं। एक फालतू क्यों? बढ़िया है तभी देंगे फालतू। आप बताओ। मेरा भी 11।
सेम मेरी तरफ से 1000 ले लो आप। इतना पसंद है क्या ये ट्रक कैफे? वर्थ है खाने में, वर्थ है मिनिमम स्वाद का, वर्थ है। कहीं बड़ी जगह चले जाओ पैसे फालतू के हैं, कोई ज्यादा अच्छी भी नहीं होती कहीं की चीजें, ये वर्थ बहुत अच्छा है। कब से आ रहे हैं अभी शॉप में? हो गया साल डेढ़ साल, डेढ़ साल हो गया। भैया आज आपने क्या ट्राई कर रहे हो यार? तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, फर्स्ट टाइम चिकन बर्गर ट्राई किया। कैसा लगा आपको? अच्छा है, टेस्टी है। अगर आप 10 में से रेटिंग देना चाहें तो कितनी देंगे आप? 9। एक कम क्यों? 10 कर दो, फर्स्ट टाइम आया हूँ। देखो तो कैसे मतलब रेंज वगैरह इसकी और टेस्ट कैसा है? क्रिस्पी है, थोड़ा चीजी है एज कम्पेयर टू KFC जिंगर बर्गर। भैया आज आप दोनों ने क्या ट्राई किया? हमने पेरी पेरी फ्राइज लिए थे, 2-3 बर्गर ट्राई किए थे, पेरी पेरी बर्गर ग्रिल क्रिस्पी चिकन वगैरह ऐसे कुछ। कैसा लगा आज आपको? बढ़िया था, हम तो वैसे आते रहते हैं वीकली वगैरह, बढ़िया है इसका तो सामान वगैरह। हम एक साल से रेगुलर आते हैं यहाँ पे वीकली, जब से खोला तब से हम स्टार्टिंग से आ रहे हैं, हम इसकी मेन्यू की ऑलमोस्ट हर चीज़ ट्राई कर चुके हैं। सबसे फेवरेट यहाँ की क्या लगा? मेरे को तो सबसे अच्छा इनका क्रिस्पी चिकन बर्गर लगता है। और इनके थीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब एक डिफरेंट ही इन्होंने एक थीम दिया, आपने एक ट्रक में वैन्स में तो आपने बहुत खाया होगा, लाइक इस एरिया में तो बहुत ही डिफरेंट है, तभी हमको अच्छा लगता है यहाँ पे आना, तो काफ़ी सही है। इनके प्राइसेस वगैरह भी रीजनेबल हैं, इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, ऑल इन ऑल बढ़िया है सब। अगर आज इसे आज मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मुझे क्या ट्राई करना चाहिए यहाँ पे? इनके बर्गर ट्राई करो, वो तो बेस्ट ही है, मतलब इधर एरिया के राउंड से। तो ऊपर इनको मोमोज भी अच्छे हैं, इन्होंने अभी वो बीच में फिश बर्गर्स निकाले थे, सेक्सी थे वो। थैंक यू सो मच। अब हमारे साथ है ट्रक कैफे के ओनर तुषार भैया, मैं इनसे जानना चाहूँगी कि इन्होंने ट्रक कैफे नाम क्या सोच के रखा? ट्रक कैफे नाम क्या सोच के रखा आप देखो और आप खुद ही बताओ क्या रखा, क्योंकि ट्रक के अंदर कैफे बना हुआ था, इसका ट्रक कैफे नाम इसलिए मैंने रख दिया था। और ये माइंड में आपके कैसे क्लिक करा? ये कॉन्सेप्ट पूछ रहे हो? एक्चुअली इसका जो रीजन है न्यूयॉर्क से है, बट मैंने ये कॉन्सेप्ट देखा था सेक्टर 29 में लेजर वैली पार्क के बाहर, पूरी मार्केट थी वहाँ पे फूड ट्रक्स की, तो तब देख के आया था कि दिल्ली में ऐसे ऐसी चीज़ नहीं है, तो दिल्ली में लेके आना, तो तब मेरे माइंड में ये चीज़ आई थी। कितना टाइम हो गया आपको इस? ये मेरे को 2 साल हो गए, लास्ट 25th December को मैंने इसकी इनॉग्रेशन की थी, अब उसको 2 साल हो गए। आपके यहाँ की स्पेशलिटी क्या है? हमारे की स्पेशलिटीज बर्गर्स हैं, फ्राइज़ और मोमोज काफ़ी डिफरेंट तरह के हैं, पैन फ्राइड मोमोज, चिली गार्लिक मोमो आपको आसपास देखने को नहीं मिलेंगे, और बर्गर्स हैं स्पेशली जैसे गवर्नमेंट बर्गर्स होते हैं तो उस तरह के हैं, ग्रिल्ड होती है हमारी पैटीज, सब कुछ हम खुद ही प्रिपेयर करते हैं पैटीज। हॉट सेलिंग फूड कौन सा होगा? हॉट सेलिंग फूड बर्गर्स में आप ग्रिल चिकन बर्गर, क्रिस्पी चिकन बर्गर, मोमोज में पैन फ्राइड मोमोज दोनों, चिकन और पनीर दोनों अच्छे चलते हैं, और शेक्स में ब्राउनी शेक, ओरियो शेक, और फ्राइज में पेरी पेरी फ्राइज, चीज़ी फ्राइज हॉट सेलिंग है हमारे। फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी ट्रक कैफे को लेकर? अब इसका प्लान चल रहा है, इसका सेकंड आउटलेट खोलना है हमें रमेश नगर में, अभी फिलहाल सुभाष नगर में मेन मार्केट में, अब इसका जो सेकंड का प्लान चल रहा है रमेश नगर में, उसके बाद आगे देखेंगे फ्रेंचाइज और करना है इसका, बढ़ाना ही है इसको। अगर किसी को विजिट करना हो तो नियर बाय लोकेशन क्या है, लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इसकी? सुभाष नगर मेन मार्केट, रामलीला ग्राउंड का गोल चक्कर है, किसी को भी बोलोगे, किसी रिक्शे वाले किसी को, तो आपको बता देगा कि यहाँ पे बहुत फेमस है यहाँ पे रामलीला ग्राउंड मार्केट का। हमने आपके ट्रक कैफे की इतनी ज़्यादा तारीफें सुनी है, आपको क्या बताएं, तो आज आप हमें क्या ट्राई करवाने वाले? मैं आज आपको ब्राउनी शेक टेस्ट करवाऊंगा, उसके साथ चीज़ी फ्राइज और ग्रिल चिकन बर्गर जो हमारी स्पेशलिटी है सारी। अब हम टेबल पे भी लगवाएंगे और उससे पहले हम आपको मेकिंग भी दिखाएंगे कैसे बनाते हैं ये शेक्स फ्राइज और बर्गर। अब हमारा रेडी हो रहा है ग्रिल चिकन और जल्दी से जल्दी टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आपको दिखाते हैं इसकी मेकिंग। भैया ये क्या बना रहे हो आप? ये चिकन ग्रिल बर्गर है और ये हमारा क्रिस्पी चिकन की पैटी है जो क्रिस्पी होती है, थोड़े क्रंची KFC टाइप में होता है ना, वैसा बर्गर है। क्या क्या डाला आपने इसकी टिक्की में? ये इसमें कीमा होता है, फ्रेश कीमा जो होता है ना, उसमें हमारा आपको मसाले होते हैं, नमक हो गया, काली मिर्च वगैरह, जैसे 2-4 मसाले होते हैं, हम मिक्स होते हैं। स्पाइसी होता है क्या ये? हल्का फुल्का नॉर्मल ही होता है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता। ये टिक्की को ग्रिल कर लिया हमने टिक्की के शेप में बना के, अब उसके बाद ये हमारे बर्गर बेस है जिन्हें हल्का सा गर्म कर लेते हैं हम, उसके बाद उससे सॉसेस कौन कौन से लगा रहे हैं आप इसमें? ये हमारी चिपोटले सॉसेस है। वाह जी वाह। ये नीचे के बेस पे लगाते हैं, ये हमारे अनियन हो गए जो कि सभी बर्गरों में अच्छे से लगा देंगे। उसके बाद जैसे हमारी ये बर्गर की जो टिक्कियाँ हैं ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं, अब इनको एक एक करके बर्गर पे लगाएंगे।
गर्मा गर्म ये टिक्की अब बन में लग चुकी है। ये मेयोनीज है, लिक्विड मेयोनीज होती है, और ये हमारी लेटेस है जो हम लगा रहे हैं। लेटेस हमारी आप देख रहे हैं कि बन में बिल्कुल भी ऑयल ना के बराबर लग रहा है। ठंड में गर्मा गर्म खाने का अलग ही मज़ा होता है, वाजी वाह मज़ा ही आ गया मुझे तो देखकर ही। अब देखूंगी खाकर कैसा है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मुझे यहाँ का बर्गर कैसा लगा। रेडी हो चुका है हमारा बर्गर, अब इसे खाकर हम बताएंगे आपको कैसा लगा हमें यहाँ का बर्गर। अब रेडी होने जा रहा है ब्राउनी चॉकलेट शेक, तो देखते हैं कैसे तैयार होता है। ये आइसक्रीम पाउडर डाल रहा हूँ मैं। ये क्या है भैया? चॉकलेट पाउडर है, चॉकलेट पाउडर डाल रहे हैं, चॉकलेट सिरप। अब ये बन रहा है हमारे लिए ब्राउनी चॉकलेट शेक। ये हो गया है हमारा रेडी ब्राउनी चॉकलेट शेक, चॉकलेट ब्राउनी शेक। अब इसके ऊपर देखो ब्राउनी डाल रहे हैं। मैं तो बहुत शौकीन हूँ चॉकलेट की, अगर आप भी शौकीन है तो जल्दी जल्दी आइए सुभाष नगर गोल चक्कर के पास, ट्रक कैफे है, इसको ट्राई कीजिए। ये हो गया है रेडी हमारा चॉकलेट ब्राउनी शेक। अब ये लास्ट आइटम हमारी लगने जा रही है चीज़ी फ्राइज। ये फ्राइज है, फ्राई हो चुके हैं जो कि जिसमें अब मसाला डालेंगे हम। उसके बाद इसके ऊपर आगे हम दिखाएंगे लिक्विड चीज़ डलेगी। कौन सा मसाला भी है ये ऊपर आपने डाला है? ये मैम पेरी पेरी अफ्रीकन मसाला है, स्पाइसी और टैंगी फ्लेवर होता है इसका। अभी हमारी लिक्विड चीज़ डल रही है इसके ऊपर जो कि फ्राइज के ऊपर डालेंगे हम। यह बन रहा है हमारा चीजी फ्राइज। चीज एंड जेलो पहले है, ये भी एक चीज ही है हमारा। इसके ऊपर से डलेंगे ओरिगैनो सिजलिंग वगैरह मिक्स है ये, जिससे खाने में और टेस्ट आता है। और ये हमारी चीज़ फ्राइज बिल्कुल रेडी है, अब ये सर्व कर सकते हैं हम। हेलो फ्रेंड्स, अब हमारे टेबल में लग चुके हैं चीज़ी फ्राइज, चिकन ग्रिल बर्गर और ये ब्राउनी चॉकलेट शेक, चॉकलेट ब्राउनी शेक सॉरी। तो चलिए अब जल्दी से मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ मुझे कैसा लगा। चलिए ये देखिए बर्गर, इसके अंदर इन्होंने डाल रखी है कीमा टिक्की, अनियन और ये मेयोनीज है ऊपर इसके, और नीचे इन्होंने मे बी तंदूरी या पता नहीं कौन सी ये टॉपिंग लगा रखी है। चलो अब ट्राई करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ मुझे कैसा लगा। स्पाइसी है जी, मैं बिल्कुल ही फीका खाती हूँ। बिल्कुल ही कीमा का टेस्ट आ रहा है मुझे, बहुत अच्छा है, देख सकते हैं आप, तो बहुत ही अच्छा लगा। फ्रेंड्स इसका जो बन है वो बहुत ही सॉफ्ट है, और जो इसके अंदर स्टफिंग है वो भी मेरे को लग रहा है टोटली परफेक्ट है।
और जो इसके अंदर जो कीमा की मतलब जो चिकन है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब बहुत ही आप देख सकते हैं कि पूरी टिक्की में मतलब कहते हैं ना कि पूरा ही चिकन, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ और ऐड है, शायद मे बी अनियन भी ऐड है थोड़ा सा, बहुत टेस्टी लगा मुझे ये। अब चलिए फ्राइज फ्राई करते हैं, ये चीज़ी फ्राइज, चीज़ी चीज़ें हैं ये, चीज़ी चीज़ी। मतलब बहुत चीज़ी चीज़ी है, मतलब इसमें जो टेस्ट है चीज़ी है, और मुझे इसमें फ्राइज मतलब थोड़े क्रिस्पी क्रिस्पी ऐसे फ्राइज मैंने बहुत जगह ट्राई करे हुए हैं, हो सके तो मैं जल्दी ब्लैक जैक पंजाबी बाग का भी शूट करूँगी। मज़ा ही आ गया मुझे खाने में। आपने देखा कि मतलब आप बहुत जगह गए होगे, आपने वैन्स में ट्राई किया होगा, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पहली बार ही एक ट्रक का थीम देखा, ट्रक के अंदर मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट आइडिया है, ये ट्रक के अंदर एक कैफे खोला हुआ इन्होंने। मैं उस दिन अपने फ्रेंड के साथ यहाँ से निकल रही, तो मैंने सोचा कि यार ट्राई करती हूँ चल, फिर मैंने ट्राई किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, प्राइस भी मुझे लगा नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव है, रीजनेबल है, पॉकेट फ्रेंडली है। फिर मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि अब बनाऊँगी ना फूड ब्लॉग, इसी में बनाऊँगी, जो बहुत अच्छा लगा। अगर आप भी सुभाष नगर के पास रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं तो मैं एक बार बोलूँगी ज़रूर आइए सुभाष नगर गोल चक्कर के पास आइए ट्रक कैफे, इसको ट्राई कीजिए। और हाँ, हमारा चैनल इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी है, लाइक ज़रूर कीजिए, फॉलो ज़रूर कीजिए, और हो सके तो शेयर भी कीजिए। चलो अब जल्दी से आप शेक पी कर देखते हैं। मैं तो चॉकलेट की इतनी ज़्यादा दीवानी हूँ। बहुत टेस्टी है सच में। मज़ा ही आ गया मुझे। ब्राउनी का टेस्ट, एक तो पहले अंदर भी इन्होंने ब्राउनी डाली और ऊपर से इन्होंने बाहर जो गार्निशिंग करी वो भी ब्राउनी की कर दी, मज़ा सा आ रहा है। फ्रेंड्स आप फ्राइज बर्गर शेक्स के अलावा भी फिश ओढ़ ले, चिकन ओढ़ ले, पनीर ओढ़ ले, और पता नहीं क्या क्या है यहाँ पे, दुनिया भर की चीज़ें मैं आपको बता दूँगी पारी, बट हाँ ज़रूर मैं आपको मेन्यू शेयर करूँगी यहाँ का, जल्दी आइए ट्राई कीजिए, फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ और नई जगह पर। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल आरोग्य, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज फिर सिमरन दुआ आप सभी के लिए एक न्यू फूड पॉडकास्ट।